Assalamualaikum students. Salman Zakir, please close your video and don't open your videos, please. Assalamualaikum students. I start the new chapter, chapter number 9, starting from the vacations, before vacations, transmission of heat. ठीक है, इसमें आपने ट्रांसमिशन ऑफ हीट मीन्स में आपको क्या बताया था कि ट्रांसफर ऑफ हीट इन थ्री वेज, के थ्री वेज में हमारी जो ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसफर हीट जो होती है वो थ्री वेज में होती है. सबसे फर्स्ट वन वे था हमारा कि आपका था कंडक्शन. ठीक है, कंडक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर्स विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. इसमें जो आपके जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है इन द कंडक्शन फॉर्म में, इसमें जो वेक्टर के एक्चुअल जो होती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है वो फ्रॉम देयर पोजीशन गिरी विदाउट मैटर के, जो आपके मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है डोंट चेंज द पोजीशन, यानी वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं बल्कि वो अपनी पोजीशन पे ही रह के सिर्फ वो वाइब्रेशन होती वहां पे. ठीक है, पार्टिकल्स में जो है वो सिर्फ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है इसमें ओनली वाइब्रेशन. ठीक है, इस कॉल्ड द कंडक्शन, यानी कंडक्शन जो है अकर्स इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. बट जो कंडक्शन है वो यूजली आमतौर पर ज्यादा जो हीट होती है कंडक्ट हीट होती है वो आपके कहाँ पे होती है, सॉलिड में, नॉट गैसेस और लिक्विड्स. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वर्ड है कि इन द कि इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोजली टू ईच अदर, यानी जो सॉलिड्स में जो होती हैं वो पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजली ईच अदर पैक्ड होते हैं, और जो जिसमें ओनली वाइब्रेशन होती है कॉन्स्टेंटली जो है वो आपकी वाइब्रेशन जो है वो जारी रहती है. स्टार्ट द एनर्जी एंड स्टार्ट द वाइब्रेटिंग फास्टर, जो उनके डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो मूव करते जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वाइब्रेशन जो होती है उनकी फास्ट होती है. नेक्स्ट वन है बेटे कि आपके था गुड एंड बैड कंडक्टर्स, के गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, विच वन के मटेरियल्स विच अलाउ द हीट, यानी जो मटेरियल्स हीट को अलाउ करते हैं इस कॉल्ड द कंडक्शंस. ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर द जैसे हीट वो सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम आयरन वगैरह. ठीक है, बैड कंडक्टर मीन्स क्या बताया था कि मटीरियल विच कैन नॉट अलाउ द हीट थ्रू दैम ईजली, इन जो मटीरियल्स अपने हीट को अलाउ नहीं करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर और हीट इंसुलेटर्स. नेक्स्ट वन है बेटा, नेक्स्ट वन है कि आपके पास जो है हीट इंसुलेटर्स. नेक्स्ट वन था कि व्हाई मटेरियल्स आर बेटर देन द अदर्स, कि कौन से मटेरियल जो होते हैं वो बेटर कंडक्ट करते हैं हीट को और कौन से बेटर नहीं करते. जो मेटल्स होते हैं जितने मेटल्स हैं ठीक है इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अब इसमें आपकी जो सामने एक्टिविटी नजर आ रही है इसमें आपके पास टू स्पीकर्स हैं, बोथ में आपके पास हॉट वाटर है और हॉट वाटर में आपके वन बीकर में आपके कौन सा स्पून है, मेटल स्पून है, और सेकंड जो है उसमें आपके पास प्लास्टिक स्पून है. ठीक है, वन में कौन सा है के प्लास्टिक स्पून एंड सेकंड में आपका है के पार्टिकल्स इन द मेटल्स आर पैक्ड, क्योंकि जो पार्टिकल्स आपके मेटल्स में होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं देन द नॉन मेटल, और द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ हीट, और जो आपके मेटल्स के जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है उसको स्पीड अप करने के लिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं. व्हेन द मेटल स्पून्स गेट हीटेड, जबकि मेटल स्पून हीट अप होते हैं तो साथ उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी गेन करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, यानी मूवमेंट के थ्रू वो उनकी एनर्जी को इम्प्रूव करते हैं एंड टुवर्ड्स द कोल्डर पार्ट्स, और वो कोल्डर पार्ट्स की तरफ मूव करते जाते हैं. नेक्स्ट मैंने आपको था
कि कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस के, लिक्विड और गैसेस के जो आपके पार्टिकल्स होते हैं कहां चले गए, जो आपके नेक्स्ट बेटा वो हैं कि जो आपके कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस के, कंडक्शन जो है लिक्विड और गैसेस में होती है, इसमें प्रोसेस ऑफ कंडक्शन जो इन लिक्विड एंड गैसेस इज वेरी स्लो। वाई कंपेयर, इसमें कंपेयरिंग क्या होती है बेटे, कि जो मेटल्स है जो सॉलिड फॉर्म होती है उसमें जो आपके पार्टिकल्स है, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो होती है, वो पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड और गैसेज में फार अवे होते हैं, नॉट क्लोजली पैक टू ईच अदर। ठीक है, तो द पार्टिकल्स हैव लेस चांसेस टू बम्प। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस उनके चांस होती है कि वो बम्प कर सके और एक दूसरे को हीट अप कर सके। सेकेंड वन, सेकेंड वन है कि बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने जो आपको क्वेश्चन मार्क करवाया था वो क्या था, सेकेंड क्वेश्चन था सेकेंड था कि एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन इन कि कंडक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये मैंने आपको वेकेशन से बिफोर आपको मैं सारा कुछ रिवाइज करवा चुकी थी, लेक्चर दे चुकी थी, अभी दोबारा सिर्फ आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें शेयर कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, फर्स्ट उसका पैक था कि कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी जितने भी आपके कुकिंग यूटेंसिल्स यानी जो खाने के बर्तन होते हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स, ठीक है, कि सबसे फर्स्ट वन है इलेक्ट्रिक केटल। बट बिफोर आफ्टर लेक्चर्स प्लीज आस्क मी योर क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड। केटल आयरन, सोल्डरिंग आयरन आर मेड ऑफ मेटल। ये सब चीजें किस चीज से बनी होती है, मेटल से, जो कि हीट को कंडक्ट क्विकली हीट को कंडक्ट कर सकती हैं। देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड, और उनके जो हैंडल्स होते हैं वो वुड या प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, ठीक है, जो कि हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपके जो आपके हैंडल्स वगैरह हैं या नॉब्स जो होती हैं वो हीट अप नहीं होती, जिसको आप आसानी से कैच कर सकते, यानी पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं उसको, ताकि आपका हाथ जो है वो जले नहीं। सेकंड पॉइंट है कि बर्ड्स हैव, कि सेकंड पॉइंट है कि बर्ड्स हैव फेदर्स, कि बर्ड्स के ऊपर जो फेदर्स यानी पर जो होते हैं विच कीप देयर बॉडीज वार्म, वो उनकी बॉडीज को वार्म रखते हैं, और बिकॉज फेदर्स आर यहाँ से भी नहीं आ रहा,
मेरा लेक्चर प्लान कहाँ चला गया यार, दोबारा से स्टार्ट करो, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो पहले।